ये कहानी है भैया दिनों की। सारे शहर की पुलिस उसके पीछे लगी थी। जनाब आगे तो रास्ता बंद है। लगता है वो खंडर की तरफ गए हैं। गाड़ी घुमाओ। मुंह पकड़। समझ समझ। पिछले कई महीनों से दिनू इस मौके की तलाश में था। आखिरकार आज उसे वो मौका मिल ही गया था। दिनू, दिनू, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, निकाल, निकाल। बदले की आग एक इंसान को किसी भी हद तक मजबूर कर सकती है। ऐसे ही कुछ कहानी थी दिनू की। अरे इसको यहीं ठोक देना। अरे उधर लेके चल इसको। मैं इसको ऐसे नहीं मार सकता। इसको उठा, उठा, उठा सा। अपने पास गोले नहीं है तो समझ क्यों नहीं यार? इसको खत्म करो, निकलते हैं यार। अरे उदय, उदय, अरे यार तू समझ नहीं रहा है। हम लोग यहां से बच के निकलेंगे, तू टेंशन क्यों ले रहे हैं? मुझे इस दिन का बरसों से इंतजार था, आज ये मेरे हाथों में लगा है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको। तू समझ नहीं रहा है, मेरे हाथ में गोली लगी है यार। मैं कुछ नहीं होगा ना, मेरे काम करते पहले सुसु आ गया यार। अरे उसमें आ जा बबुआ। अरे बेटा आ गया होश तेरे को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे कैसे कर इसको यार, तू समझ नहीं रहा, मैं इसे ऐसे नहीं मार सकता उदय। मुझे वो दिन, आज हम दोनों मरेंगे यार, मुझे वो दिन अब तक याद है उदय। मैं वो दिन आज तक नहीं भूल रहा हूं। दीपक, मुझे घर वालों के बारे में सोच के बहुत डर लग रहा है, और अब तक तो उनको पता चल भी गया होगा। ज्यादा टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल आपके घर वाले मान ही जाएंगे। और अगर घर वाले नहीं माने तो? यार मान जाएंगे, बच्चे होने के बाद ही मानेंगे। कभी तो सीरियस हो जाया करो। यार कहाँ जा रहे हो, मजाक कर रहा था यार। दीपक और दीप्ति के इस फैसले से दोनों के ही घर वाले नाराज थे। कहाँ था सुबह से? दूध निकाल लिया। ये तो तेरे भाई ने नाम रोशन कर दिया, और अब तू नाम रोशन करेगा। सही रहा, तेरी माँ ये सब देखने से पहले मर गई। अरे अंकल हम तो बाजार ही गए।
अरे मैं भी फांसी खा के मर जाऊं क्या? बाजार गए थे तुम लोग? पता कर उसका, पता भी है कुछ कहाँ है वो? उसको ढूंढने के बजाय इधर उधर हंगता फिर रहा है। लगा के देख दोबारा। हेलो। हाँ दिनू। हाँ भैया। भैया घर तो सब ठीक है लेकिन भाभी और आप दोनों ठीक हो ना? दिनू के भाई ने बाग के शादी तो कर ली थी लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाके उन दोनों के साथ क्या होने वाला। हाँ भैया पैसे मैं भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो पैसों की। इस टाइम पे कौन आ गया? भैया कौन है? उदय कुछ हुआ है जरूर वहां पे। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत तेज गोली की आवाज आई। उदय जी तो करता है, इसके हाथ भी हाथ देके इसकी हाथ टेढ़ियां खींच दूं। हंटर ने दीपक को नहीं मारा। रुक जा, भाग रहे थे साले को, कहां तक भागे गए? इसको पता चलना चाहिए हमारी इज्जत के साथ खेलने का क्या नतीजा होता है। हंटर का एक ही प्लान था कि वह दीपक को तड़पा तड़पा के मारे। देख लिया हमारी इज्जत के साथ खेलने का नतीजा? हाँ ना बोल ना। दीपक और दीप्ति की बस यही गलती थी कि उन दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा प्यार का एक नई दुनिया बसाने की सोची और वो दुनिया शुरू होने से पहले ही उजाड़ दी गई। और ये हादसा किसी भी इंसान को बागी बनाने के लिए काफी है। आज अगर मैं यहाँ पे मर भी गया ना तो मुझे कोई गम नहीं। हंटर के साथ साथ टीम को भी पता था, मैं कहता हूं इसको मार और निकलते दो, कि आज उसकी आखिरी रात होने वाली है। अब मैं साले आंख खोल, ये तेरी आखिरी रात है।
चल यार। पुलिस अभी इतनी कमजोर नहीं हुई जो तुम तो कुत्तों को नहीं मार सके। एम्बुलेंस बुलाओ, तीन लोग पटको गाड़ी में, ले चलो हॉस्पिटल। मैं आज तक नहीं समझ पाया चलो कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है, दीप्ति और दीपक की, या हंटर की, या उस समाज की जो अपनी झूठी शान के पीछे किन्हीं मासूम की जान तक ले सकता है।